पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इंडिया 24 और संभल इकाई की ओर से उत्सव मंडप निकट कचहरी पर एक पत्रकार परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुना दास जी महाराज उपस्थित रही और कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी राजेश रस्तोगी ने की। मंच पर उपस्थित श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, इंडिया 24 न्यूज के संपादक भगवत मेहरा, सुधा शांतनु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला प्रभारी अजय सक्सेना, दीपक सक्सेना, अवधेश वर्मा, मुस्कान वर्मा, रामचरण शर्मा, ब्रजमोहन, रामचरण दास, रवि राहिल अली, नसीम, राजकुमार पुरी, राम रतन शर्मा, गोविंद दीक्षित के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम का संचालन स्वाति पुरी ने किया। ये जल्दी ही सैटेलाइट में आने वाला है, इसके कार्य चल रहे हैं, अब जल्दी आपको सूचित किया जाएगा। और एक और बात बताते हैं कि आप सब लोग, क्योंकि आप लोग देखो भारत में रहते हैं और यहाँ पर हिंदू बहुत संख्या में हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है। तो मैं हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड एक्ट से भी राष्ट्रीय सचिव हूँ, तो मैं सब लोगों का आह्वान भी करूंगी कि हम लोग एक बिल कोड हिंदुओं के लिए एक्ट पास कराना चाहते हैं, उसमें आप सब लोगों की भागीदारी अवश्य हो। ठीक है, जय श्री राम। और हमारी कलम ही हमारे लिए सब कुछ है। सबसे पहले मैं गुरु माँ जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में आकर हमारी शोभा बढ़ाई। मैं जगदीश जी का, भगत जी का, रोहित जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने दिनचर्या के इतनी बिजी शेड्यूल में से इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला। जैसे कि हमारी गुरु माँ ने कहा कि हालांकि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि गुरु माँ ने सब कुछ बोल ही दिया है, भागवत जी ने भी और जगदीश जी ने भी, रस्तोगी जी ने भी। जैसे कि हम पत्रकार हैं, ऐसा है कि पहले के ज़माने में क्या हुआ करते थे, गुरु माँ ने जैसे बताया कि नारद मुनि हुआ करते थे, आज के नारद हम हैं। आज की युवा पीढ़ी, जितने भी आप ये मान के चलिए जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, जितने भी चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, या कितने भी सेक्टर्स हैं, कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर आगे आता है। ठीक है, तो जो हम पत्रकार हैं, हमारा कर्तव्य है कि मतलब हम सबको अवेयरनेस दें इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ भाई, आपके आसपास क्या चल रहा है, राष्ट्र के लिए क्या चल रहा है, देश के लिए क्या चल रहा है। और जैसे कि गुरु माँ ने भी कहा कि जो हमारे युवा हैं वो हमारी पीढ़ी को आगे लेके जाने वाले हैं, तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि आइए अपने परिवार में जुड़िए और इसको सब आगे लेके जाएं। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।